बात करते हैं, और आज बात होगी शनि में चंद्रमा की। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि दशा का जो फल प्राप्त होता है वर्तमान समय में वो अंतर दशा से ही प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी किसको समझना है? अंतर दशा को। आप नीचे देख रहे होंगे कि ये 12 खानों का एक चार्ट बना हुआ है। तो क्या हम सिर्फ मेष लग्न पे पढ़ाएंगे? नहीं, आपको सभी विषयों को बहुत सरलता से समझ में आए इसीलिए एक चार्ट लगा हुआ है। अब आ जाइए कि चंद्रमा की अंतर दशा हो तो सबसे पहले आपके मन में क्या क्या विचार आना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज समझना है। तो समझिएगा कि चंद्रमा शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। और ये सभी आप लोग हमारे पीछे पाठ में यदि पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि कैसे चंद्रमा शुभ और अशुभ होता है। दूसरे नंबर पे हमेशा ध्यान रखना है कि इस चंद्रमा के स्वतंत्र कारकत्व तो क्या क्या है। अगर स्वतंत्र कारकत्व तो यदि याद नहीं होगा तो फल कैसे कहेंगे। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि ये काल पुरुष की पत्रिका है, इस स्थान में चंद्रमा किस स्थान का स्वामित्व तो प्राप्त करता है। तो यहां देख लीजिए चतुर्थ का स्वामित्व तो चंद्रमा के पास है, ये भी जानना जरूरी है। और स्थिर कारक भी चतुर्थ का ही होता है चंद्रमा, और ये सबके लिए होता है, इसीलिए किसी के पत्रिका को देखने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा की अंतरदशा है तो इतना चीज हमको याद हो जाना चाहिए। और जो देखना है वो ये देखना है कि अब किसी भी लग्न के पत्रिका में चंद्रमा के पास कहां का स्वामित्व है। और दूसरे नंबर पे जो देखना है कि चंद्रमा किस भाव में स्थित है। स्वामित्व नवम का है, मान लिए कि मीन लग्न की पत्रिका है तो नवम का स्वामित्व है, तो नवम का प्रभाव रखेगा ही रखेगा। और यदि अष्टम का स्वामित्व है तो अष्टम का दोष नहीं लगता लेकिन उसका प्रभाव गुण तो उसके अंदर जरूर आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि चंद्रमा को कहां कहां स्थित होने पर हम लोगों को पहले ही समझ लेना चाहिए कि जातक के मन में व्यर्थ की चिंता तो होगी ही होगी क्योंकि चंद्रमा से मन की बात करते हैं। तो आठवें में हो तो अकारण भय हो, चोट लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। द्वादश में हो तो निश्चित रूप से आपको यह समझना होगा कि हमेशा व्यर्थ की चिंता करेंगे, कोई कारण नहीं है चिंता करने का फिर भी चिंता करते रहेंगे। तो ये तो हो गया कि आठवें और बारहवें में यदि चंद्रमा हो। अब यही समझ लीजिए किसी भी लग्नों के लिए, ये समझिए कि अगर आठवें बारहवें में अकेला होने से भी चिंता देता, परेशानी देता, और यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए तो और विपरीत फल दे सकता है। अर्थात स्थान में देख लिया कि किस स्थान में है, उसके हिसाब से मन बनाया कि क्या रिजल्ट कहना है, और उसके बाद उसके वो जिस ग्रह के साथ युद्ध है तथा जिस ग्रह से दृष्ट है उसके प्रभाव को समझा। यदि अशुभ ग्रह से दृष्ट हो और आठवें बारहवें में हो तो 100% फल आपके लिए अच्छा नहीं करेगा। आप सभी लोगों के जीवन में चंद्रमा की कभी ना कभी दशा आएगी, चंद्रमा नवम में भी हो तो भी आपके इमोशन को इफेक्ट करता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आठवें और बारहवें में हो तो क्या कर सकता है। दूसरा, शनि किसके अंतर में आया है, तो चंद्रमा किसके अंतर में आया है, तो शनि के अंतर में आया है। तो अब शनि के अंतर में आया है तो शनि के साथ उसके संबंध क्या है? मित्रवत संबंध नहीं है। चंद्रमा भले ही शनि का शत्रु नहीं, शनि को शत्रु नहीं मानता हो लेकिन शनि तो अपना शत्रु मानता है। तो इस दोनों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि शनि और चंद्रमा एक दूसरे से कहां स्थित हैं। और हम हमेशा कहते हैं यदि ग्रह एक दूसरे से 3-11 में स्थित हो तो आपके लिए शुभ परिणाम देंगे, लेकिन वो स्थिति यदि ऐसी हो जाए कि शनि यहां है और
और चंद्रमा यहाँ है तो ये भी तो एक दो तीन और यहां से गणना करेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन ये 3 11 है तो अच्छा परिणाम नहीं देगा, ये हमेशा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्दशानाथ चंद्रमा है वो अष्टम में है। दूसरा कि शनि यहां हो और चंद्रमा यहां हो तो ये भी 3 11 है, यहां भी आपको सावधानी की जरूरत होगी। लेकिन यही शनि और चंद्रमा यदि केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान या हम कह लें शनि यहां हो चंद्रमा यहां हो तो ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे, ये 3 11 आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा और शनि यहां हो चंद्रमा यहां हो तो आप इसके भी परिणाम अच्छे लेंगे। अब परिणाम होंगे क्या, अगर सप्तम में चंद्रमा बैठा है तो सप्तम का और लग्न का प्रभाव देगा, साथ में चतुर्थ का भी फल कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा काल पुरुष में चतुर्थ का कारक है और चतुर्थ स्थान का स्वामित्व भी रखता है, कारक तो किसी के भी पत्रिका में चतुर्थ का होता है। तो अब यहां समझिए कि क्या हमको यदि प्रश्न आएगा और यही स्थिति है कि हम मकान खरीद सकेंगे तो हमको कहना पड़ेगा कि हाँ खरीद लेंगे, क्यों, क्योंकि चंद्रमा की ना तो दृष्टि है चतुर्थ के ऊपर न चतुर्थ में स्थित है, उसके बाद भी चूंकि ये काल पुरुष में यहां का स्वामित्व रखते हैं इसीलिए ये चतुर्थ का फल कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं तो निश्चित कहना होगा कि आप वाहन खरीद सकते हैं। जेब में पैसे का बड़ा अभाव रहता है तो हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अभाव नहीं रहता होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कुछ कम ही बताएंगे तो उपाय बताएंगे तो और अच्छा फल मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये 3 11 में स्थित होने पर किस प्रकार के फल करते हैं और हमको कहां से 3 11 समझना ज्यादा उचित। अगर 4 10 में चंद्रमा है, मान लीजिए कि शनि यहां है और चंद्रमा यहां है, ये एक दूसरों से अक्ष बताने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि चतुर्थ स्थान में तो है, ये दूसरे नंबर पे एक दूसरे से स्थिति अच्छी कही गई है, लेकिन ये जिस स्थान में गया वो तो 8वां है ना, तो सिर्फ एक्सिस देख करके नहीं बताना, क्या करना है कि ये भी देखना है कि स्थित कहां है। अब 8वें में है तो आपको परेशानी देगा, चंद्रमा चोट चपेट के कारक ग्रह नहीं है, लेकिन चूंकि 8वें स्थान से चोट चपेट दुर्घटना आदि की बात होती है तो ऐसे स्थिति में ये यहां चोट चपेट दुर्घटना भी दे सकता है। और यही 4 10 की स्थिति को यदि हमको समझना है कि चंद्रमा यहां है और शनि यहां है तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए क्या होगा कि करियर के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी। दूसरा, ये चतुर्थ के ऊपर दृष्टि है तो भूमि भवन मकान आदि का सुख होगा, चंद्रमा की दशा आई है माता के तरफ से सहयोग हो तो ये जो माता के तरफ से सहयोग हो ये क्यों बताया, क्यों, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ के स्वामी होते हैं काल पुरुष में इसलिए बताया। अगर चंद्रमा यहां बैठ जाए तो आप समझिएगा कि ये 5 9 का संबंध हो गया, लेकिन एक कहां है केंद्र में और दूसरा कहां है लाभ स्थान में, ऐसे में चंद्रमा लाभ दिलाएगा ही दिलाएगा कि यहां आपका प्रमोशन हो जाए या व्यापार में फायदा हो इसकी संभावना अधिक हो जाएगी, लेकिन यहां भी कह सकते हैं कि माता से सहयोग प्राप्त हो। यहां तो अब दृष्टि नहीं है चतुर्थ पे, लेकिन फिर भी माता के कारक होते हैं, मन में उत्साह अधिक हो क्योंकि चंद्रमा उत्साह भी देता और वृद्धि स्थान में स्थित है तो हमारे उत्साह को बढ़ा सकता है। अब यही चंद्रमा यदि यहां चला गया तो अब क्या देख रहे हैं कि शनि यहां सप्तम में बैठा और चंद्रमा द्वादश में है,
एक तो स्थिति द्वादश में है और महादशा नाथ से छठे है, इसीलिए ऐसे चंद्रमा के समय में जातक के लिए जीवन हानि की भी संभावना होती है। षडाष्टक के चंद्रमा को अच्छा नहीं कहते, लेकिन वो षडाष्टक यदि इस तरह का बन जाए कि शनि यहां है और चंद्रमा यहां है, तो इसमें हम जीवन हानि की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्थान केंद्र और त्रिकोण का है। तो चंद्रमा अपनी अंतरदशा में, हम हमेशा लोगों को एक ही शब्द में कह देते हैं कि ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार ही फल करता है और अपने गुण स्वरूप का फल करता है, लेकिन जिस स्थान में बैठेगा और जिस स्थान को दृष्टि देगा उसका भी फल करेगा। तो आप लोग, हमको उम्मीद है कि अच्छी तरह से चंद्रमा के विषय में समझ लिए होंगे। आगे अब चंद्रमा के बाद मंगल की बारी आएगी। कोई भी परेशानी हो जाए, आप देखते होंगे कि आपके स्क्रीन पे नंबर और ईमेल आईडी चलता है, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और यदि संपर्क करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी और नंबर आपको याद रखना है, उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।